हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक कैसे हुआ आना? अरे भाभी जी, बात ऐसी है कि भैया ने मुझे भेजा है आपसे कुछ पूछने के लिए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आइए ना। ठीक है भाभी, मैं अंदर आ जाता हूँ। और बताइए कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ भाभी जी। वैसे मानना पड़ेगा आपने अपना घर काफी अच्छा सजा रखा है। हाँ, ये मुझे ना घर पे खाली बैठे बैठे रहना पसंद नहीं है, तो मैं बस घर की डेकोरेशन में लगी रहती हूँ। और तुम देख रहे हो अपने भैया की शैतानी, मतलब खुद नहीं आ सकते मुझसे पूछने के लिए कि तुम कैसी हो, क्या है तुम्हें, क्या चीज़ चाहिए बताओ। उन्होंने तुम्हें भेज दिया। मुझे ना कभी कभी उन पर ना बहुत गुस्सा आता है कि मुझे ऐसा लगता है कभी मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली है। भैया आके आपसे जल्दी जल्द मिल जाएंगे, आप घबराइए मत। और हाँ भाभी जी, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं ना अभी मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको मार्केट से किसी भी सामान की जरूरत हो तो आप मुझसे बेझिझक कह सकती हैं, मैं रास्ते में आते वक्त आपका वो सामान पकड़ा दूंगा। नहीं देवर जी, मुझे ना अभी ऐसी कोई सामान की जरूरत नहीं है, आप जाओ मार्केट। चलो ठीक है भाभी जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना तो आप मुझे रास्ते में फोन कर देना, मैं आपका सामान लेते आऊंगा। हाँ, वैसे अभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम आराम से मार्केट कर लो। ठीक है भाभी जी, फिर मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरा दोस्त नीचे बाइक लेके खड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, पानी तो पी लेते। नहीं नहीं भाभी जी, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, कभी फुर्सत में आता हूँ ना। ठीक है ठीक है। मतलब क्या है, इनको भी ना मेरे लिए टाइम नहीं है, भेज देते हैं इसको उठा करके बार बार। यार गुस्सा आता है कभी कभी मुझे, मैंने शादी क्यों की है। अरे देवर जी आ गए आप। जी भाभी जी, भाभी जी जब मैं अभी मार्केट गया था ना तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज देखा, मैं खरीद के ले आया, देखिए क्या है इसमें। क्या देवर जी, मैंने आपको मना किया था ना मेरे लिए कुछ भी लेने के लिए, आप फिर भी ले आए, मुझे नहीं लेना। अरे भाभी जी आप मना मत कीजिए, मैं बहुत प्यार से आपके लिए लेके आया हूँ, एक बार आप देख तो लीजिए कि इसमें है क्या। क्या है इसमें, आप खुद देख। तुम ना मानोगे नहीं मेरी बात, ड्रेस। लेकिन देवर जी मैं इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनती हूँ, आपको पता है ना मैं शादी के बाद ये सारी ड्रेसेस छोड़ चुकी हूँ। अरे भाभी जी आप ही कैसी बातें कर रही हैं, देखिए आप मुझे झूठ मत बोलिए। वो क्या है ना कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी थी, आपने उसमें वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी, इसीलिए तो ये ड्रेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको पता है ये ड्रेस पहनकर आप सच में बहुत खूबसूरत लगेगी, एक बार मेरे लिए ड्रेस पहन लीजिए। देवर जी जो आपने पिक्चर्स देखी है ना वो मेरी बहुत पुरानी है, वो शादी से पहले पहनती थी। एक मिनट, आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टॉक करते हो क्या? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं भाभी जी, मैं क्यों बोला आपको स्टॉक करूंगा, वो तो जस्ट मैं इंस्टाग्राम सफर कर रहा था तो आपकी फोटो अचानक से आ गई, वही देख के मैंने देखा कि आपको भी शायद वेस्टर्न ड्रेस का शौक है, इसीलिए तो मैं आपके लिए ये ड्रेस लेके आया हूँ। लेकिन देवर जी मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, आपको पता है ना आपके भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो उनको जैसी ड्रेस पसंद आती है मैं वैसी ड्रेस पहनती हूँ, उनको सूट साड़ी में ही मैं अच्छी लगती हूँ, तो मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती, आप प्लीज ये रख लो। अरे भाभी जी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, अब वैसे भी भैया तो रात तक आने वाले है ना, और रात का भी क्या पता कल सुबह तक ही आने वाले है, आप ये ड्रेस बस थोड़ी देर के लिए मेरे लिए पहन लीजिए प्लीज भाभी जी, देखो मना मत करो। नहीं देवर जी मैं नहीं पहन सकती, मुझे ना शर्म आती है सब ड्रेस पहनने में, मुझे ना इन्हीं ड्रेसों में अच्छी लगती, मैं नहीं पहन सकती। भाभी जी प्लीज देखिए ना, मैं बहुत मन से आपके लिए ड्रेस पसंद करके लाया हूँ, एक बार प्लीज अपने इस प्यारे से देवर के लिए बस एक बार पहन लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रहे हो ना, सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए पहन लेती हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन मैं ये ड्रेस अपने पास नहीं रखूंगी, तुम्हें पता है ना मैं पहनती तो हूँ नहीं, बेकार की मेरे पास पड़ी रहेगी। ठीक है भाभी जी आपकी जैसी मर्जी आप वही करना, लेकिन 5 मिनट के लिए ड्रेस पहन तो लो। हाँ बस उनका आने का टाइम ना हो जाए, फिर वो मेरे पे बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है भाभी जी आप जाइए अब चेंज कर लीजिए। ठीक है मैं अभी आती हूँ, तुम मानोगे नहीं। वाह यार भैया की किस्मत कितनी अच्छी है, कितनी हॉट वाइफ मिली है, और उनको उनको तो कदर ही नहीं है, जिस दिन ये मेरी पत्नी बनी ना उसको तो मैं बहुत मुझे दिलाऊंगा। अरे वाह भाभी जी यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही हैं आप।
तुम बस ऐसी तारीफ कर रहे हो मेरे। अरे भाभी जी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस रहने दो, अब मेरी शादी हो गई है और बहुत पहले पहनती थी ऐसे कपड़े, अब तो वो फिगर भी नहीं रहा, पहले ठीक भी लगती थी मैं। अरे कौन कह रहा है भाभी जी, सच में अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं आपसे शादी कर लेता। क्या? अब कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मेरी कॉलेज में जितनी भी लड़कियां हैं ना उसमें से सबसे सुंदर और सबसे हॉट आप ही लग रही हैं। भैया कितनी खुशकिस्मत है कि आपकी जैसी वाइफ उन्हें मिली है। कैसी बात कर रहे हो, खुशकिस्मत वो नहीं, खुशकिस्मत मैं हूँ जो मेरी उनसे शादी हुई है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल गलत हो, भैया आपसे प्यार ही नहीं करते, आप ही बताओ, अगर भैया आपसे प्यार करते तो आपकी देखभाल करने के लिए वो मुझे भेजते, कम से कम एक फोन तो बनता है ना, उन्होंने आपको फोन तक नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि आप भैया को डाइवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। देवर जी कैसी बात कर रहे हो, मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन हाँ मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे उनके साथ रहना पसंद है। हाँ अभी थोड़ा सा ऑफिस के काम से वो बिजी रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है वो अपने काम के लिए लॉयल है हमेशा, लेकिन हाँ मुझे वो टाइम देते हैं, हफ्ते में एक बार मुझे घुमाने लेके जाते हैं, मूवी लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं। बस ये है कि उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं, मेरे पास टाइम नहीं है बेबी, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हें घुमाने लेके चलूँगा। और तुम कैसी बात कर रहे हो। हाँ हाँ भाभी जी, मैं समझ गया कि भैया आपको बहुत वक्त देते हैं, लेकिन आप इससे कहीं गुना ज़्यादा डिजर्व करती हो। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप मेरी बीवी होती ना तो मैं आपको महारानी बना के रखता, और वैसे भी भाभी जी मैं कोई मजाक ना कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ, एक बार आप मुझे आजमा के तो देखिए, आप भैया को डिवोर्स दे दो और मुझे शादी कर लो भाभी जी, सच में मैं आपको महारानी बना के रखूंगा। हाँ छोड़ो देवर जी, तुम क्या कर रहे हो, कैसा मजाक है ये। भाभी मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भैया तो कल सुबह तक आएंगे ना, एक बार मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दो भाभी जी। हाँ छोड़ो मेरा, तो क्या क्या बदतमीजी है ये। भाभी जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जब से आपको पहली बार देखा है ना मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं पूरे दिन सिर्फ आपकी फोटोज और वीडियोस देखता रहता हूँ। प्लीज भाभी जी मुझे मना मत कीजिए, एक बार प्लीज भाभी जी मुझे शादी कर लीजिए, हम बहुत दूर चले जाएंगे, भैया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। छोड़ो मेरा हाथ, और ये क्या पागल बनती है, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे देवर, और ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे भैया ने तुम्हें भरोसा करके तुम्हें यहाँ भेजा और तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। भाभी जी आप परेशान क्यों हो रही हैं, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार मुझे भरोसा करके तो देखो। योगेश मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं सच बता रही हूँ मैं चाटा मार दूंगी। भाभी जी आप ऐसे मत कीजिए। क्या बदतमीजी है ये। भाभी आपने मुझे चाटा क्यों मारा। तुम्हें पता है भाभी और देवर का रिश्ता कैसा होता है, माँ बेटे का, लेकिन तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाभी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस उसी प्यार का मैं आपको इजहार कर रहा था, आप बुरा क्यों मान रही है, सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही ना, तुम मेरे साथ अभी भी बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हारे भैया से ना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, आने दो उनको आज। नहीं नहीं ये कैसी बात कर रही है, अगर आपने भैया को बता दिया तो पूरे खानदान में मेरे परिवार की नाक कट जाएगी, आप ऐसा कभी मत करना भाभी जी, और मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बदतमीजी के चक्कर में मैं अपने परिवार वालों को पूरे परिवार से गाली नहीं सुनवा सकता, प्लीज आप ये बात भैया को मत बताना। तुम्हें ना शर्म आ रही थी तब जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, अब तुम्हें शर्म आ रही है। भाभी जी देखिए मैं अनजाने में बहक गया था, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया था कि आप हमारे घर की बहू हैं, और मैंने आप पे इतनी गंदी नज़र डाली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी गलती का पूरा पूरा एहसास है, और मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ भाभी जी बस ये बात भैया को मत बताना, अगर आपने भैया को ये बात बता दी तो सच में मेरे साथ बहुत बुरा होगा। आज के बाद क्या, मैं आज के बाद ऐसा मौका आने नहीं दूंगी तुम्हें, इस घर में मैं आने नहीं दूंगी अपने। भाभी जी ये कैसी बात कर रहे हैं, ये घर भी तो मेरा ही है ना। घर तुम्हारा है लेकिन यहाँ तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है, तुम्हारे भैया को तो मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकल जाओ मेरे घर से। भाभी जी मेरी बात तो सुनो, मैं आपको सब समझाता हूँ ना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैंने बोला ना घर से निकल जाओ।